पाकिस्तान ने जो बोया था आज वही काट रहा है। उसके द्वारा पाला पोषा गया आतंक आज उस पर भारी पड़ रहा है। लगातार आतंकी धमाकों से न केवल पाकिस्तान दहला हुआ है, बल्कि यहाँ सुरक्षा बलों से लेकर आम आदमी भी इन हमलों में मारा जा रहा है। अब आज 6 मार्च को पाकिस्तान में बलूचिस्तान कांस्टेबुलरी के जवानों के एक काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 9 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बोलन के कंबरी पुल के पास सुरक्षा बल के जवानों को ले जा रहे एक ट्रक के पास जोरदार धमाका हुआ, जिसके कारण ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस आत्मघाती विस्फोट के बाद घटना स्थल पर अफरा तफरी मच गई। ये जवान एक कार्निवाल में ड्यूटी करने के बाद क्वेटा लौट रहे थे। पाकिस्तान पुलिस ने इसे आत्मघाती हमला बताया है। हमले में कई आम लोग भी घायल हुए हैं। यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान इस तरह के आत्मघाती हमलों का शिकार बना है। इससे पहले भी 30 जनवरी को पेशावर की एक मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में इस तरह के आतंकी धमाके अब आम हो चले हैं।